की रिलीज हो चुकी है, सबसे पहले क्या कहना रहेगा डंकी के ऊपर? डंकी बहुत प्यारी पिक्चर है और बहुत दिनों से मेरा इंतजार था और उसके पीछे लगा था, बुकिंग नहीं खोलने देते थे। ये मेरी फरियाद लास्ट वीक से चल रही है, अभी तक चालू ही है, साथ में सलार आने वाला है और कल से, लेकिन मजे की बात है उसका भी बुकिंग नहीं खोलने दे रहे और वहाँ झगड़े चल रहे हैं। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटर को शोभा नहीं देता और दुख की बात है कि मैं कल का बुकिंग भी खोल नहीं पा रहा हूँ, ना डंकी का ना सलार का। तो इसमें कैसे एग्जीबिटर जिंदा रहेगा? प्रोड्यूसर तो अपनी पिक्चर बेच के डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है, डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग से परसेंटेज पे एडवांस ले लेता है, अब हमारे एडवांस का क्या? हम तो मरे पड़े। तो एक बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि अभी तक फैसला हुआ नहीं है, तो सलार कल रिलीज होगी कि नहीं। आज एक बहुत बड़ी घटना हुई है साउथ बॉम्बे में, वराणा सिनेमा रिगल गोल्ड प्रीमियर सबको केडीए में नहीं दिया डकी का, और सभी जगह पे शो कैंसिल हुए, मेरे मराठा मंदिर में भी शो कैंसिल हुआ है। तो ये जो कुछ हो रहा है ये शोभा नहीं देता उनको। सर आपके हिसाब से कहाँ पे गलती हो रही है और कहाँ पे कम्युनिकेशन लैग? मैं दो वीक से उनके पीछे पड़ा था और बोल रहा था कि पिक्चर को एक वीक आगे पीछे कर, जब दो बड़े सुपरस्टार आते हैं तो पिक्चर को एक दो वीक आगे पीछे करते हैं, एक वीक भी कम करें चलेगा, नहीं साथ में ही आ रहा है, साथ ये साथ में ही हुआ ना 21 को ये बंद कर, 21 को डंकी और 22 को सलार। सलार का ठिकाना नहीं है, हमारे पास केडीए में नहीं है, तो हम सलार कैसे कर लगाएंगे? और यही सब चीज हमें मार रही है, बहुत बुरी तरह से मार रही है। अब इसका कुछ ना कुछ होना चाहिए फैसला, जब जब दो पिक्चर आती है झगड़े होते ही, तो ये इसका फैसला होना चाहिए। आपके जरिए मैं मेरी पब्लिक को कहता हूँ, अगर आप यहाँ आए हैं तो मैं आप सबकी माफ़ी मांग रहा हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें पिक्चर दी नहीं है उसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं, लेकिन मैं आपको ये वचन देता हूँ कि कैसे भी करके कल मैं सलार लगाऊंगा जैसे मैंने आज डंकी लगाई। क्या बात है, ये बात पक्की रही। फिर वीटो होता है, और वीटो होता है फाइनेंसर, बोलते शर्म आ रही मुझे, फिर उसको बोलूंगा तुम्हारा सत्यानाश हो रहा है, वो भी नहीं समझा, तो शाहरुख जी को बोलूंगा फोन पे और प्रभास जी को बोलूंगा आपके पीछे की हालत है, आप जानो, फिर तो कुछ होना ही, फिर तो बहुत बड़े बड़े धमाके होंगे, देखते। थैंक यू सर। जैसे देख रहे हैं हम ये नॉर्थ और साउथ का जो डिबेट चल रहा है, तो कहीं इसमें ईगो आ गया है बीच में, ऐसा आपको लग रहा है सर? मेरे को छोड़ के सबको ईगो है। मैं तो कभी भी कहा भी जो भी बोलो मैं तैयार हूँ, बाकी सबको ईगो है, मेरा घर नहीं रखेगा, सिर्फ मेरा सलार ही रखना चाहिए, सिर्फ मेरा डंकी रखना चाहिए, और ये ईगो में झगड़ा हुआ है। मेरे वहां 3 शो में डंकी था, बहुत बड़े बड़े बैनर लग चुके हैं मराठा बंदे, सर बीच में रूमर्स ऐसे चल रहे थे कि सलास के जो डिस्ट्रीब्यूटर है आपसे गेटी ही मांग रहे थे और डंकी के भी गेटी ही मांग रहे थे, व्हाट डू वांट टू क्लेरिफाई ऑन दिस? मैं तो 2.25 करोड़ दोनों हजार रुपए सीट के थिएटर है गेटी हो गए थे, तो ये गेटी में क्या रखा हुआ है? मैं अभी कुछ नया सोचने वाला हूँ, मैंने भी राइट पिक्चर देख रहे, अभी जाऊँगा मीटिंग करूँगा, मैं अभी गैलेक्सी निकाल दूंगा और करूँगा गेटी 1 गेटी 2। सर नेक्स्ट सवाल ऐसा है कि डंकी का जो सवेरे 6 बजे का शो था, एज यूजुअल उसके फैंस आए थे, सेलिब्रेट किया था, किस तरीके की आप हमेशा अपना प्यार? 5:55 पे आए थे और कल बहुत बड़ा फंक्शन डंकी का, बेंगलोर से और केरला से आए हैं वो लोग, कल मराठा मंदिर में आ रहे हैं, कल मैं मराठा मंदिर जा रहा हूँ, तो करीबन 2:30-3 बजे वो फंक्शन होगा, और देखो क्या होता है, उसके पहले ये सब मगजमारी खत्म हो जाए तो फंक्शन अटेंड बराबर हो सकेगा, ठीक है। बाकी सुबह का शो खूबसूरत था, बहुत धमाल हुई है, बहुत धमाल हुई है। सर जब भी दो बड़ी फिल्में आती है, दो बड़े सुपरस्टार की फिल्म आती है, तो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर या फिर एग्जीबिटर डिस्ट्रीब्यूटर का लॉस कहीं ना कहीं होता है या नहीं होता? अगर इस तरह की हरकत हुई तो लॉस होने वाला है। अब एनिमल में 12 आदमी में चालू कर रहा है और वो 5-7 आदमी थे मेरे पास डंकी के,
ओके भगवान उसको खुश रखे और शाहरुख जी की पिक्चर सुपर डुपर हिट हो और वो दोनों की सुपर हिट होने से हमको जो फायदा होगा वो भी भगवान की मर्जी। थैंक यू सो मच।